बदायूं डबल मर्डर केस के दूसरे आरोपी जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जावेद हत्याकांड के बाद से फरार चल रहा था। उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। जावेद को देर रात बरेली से गिरफ्तार किया गया है। वारदात के बाद जावेद मोबाइल बंद कर दिल्ली भाग गया था। पुलिस की कई टीमें उसके पीछे लगी हुई थी। सूत्रों के मुताबिक बरेली पुलिस ने जावेद को बदायूं पुलिस के हवाले कर दिया है। अब बदायूं पुलिस उससे पूछताछ करेगी। बताया जा रहा है कि जावेद को देर रात बरादी थाना क्षेत्र के सैटेलाइट बस स्टैंड पर स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। इस दौरान लोगों ने उसका वीडियो बना लिया। जावेद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, देखिए। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा तो मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा है। बात सुनो, तुम अभी सुनो। जैसे कहने भाई, मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो मैं देखो इसका तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका एनकाउंटर? मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा तुम्हारा? बदायूं जिला। ठीक है, 12 दिन लेते हो क्योंकि इसमें साफ नहीं दिख रहा होगा। फोटो स्टेट गंदी आई, दूसरा वाला। ऐसा क्यों किया यार? ये तो जिस घर में मर्डर हुआ है ना, वहाँ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हमारे, लेकिन आज तक ये ही नहीं पता चला। मैं खुद ये बच्चे मारे भाई, अब वो आपके हाथ में लेकिन एक बात बताओ, माँ की कसम देखिए, इस दोहरे हत्याकांड का जो दूसरा आरोपी था जावेद, आरोपी साजिद का भाई, उसकी गिरफ्तारी आज जनपदीय पुलिस के द्वारा की गई है। उसके द्वारा पुलिस के दबाव और जो उस पर इनाम कराया गया था उसके दबाव में उसने आज बरेली में बारादरी थाने की जो सेटेलाइट चौकी वहाँ उसने आत्मसमर्पण किया था और अपना वीडियो भी उसने वायरल कर दिया गया था। जब उस वीडियो की सूचना मिली, हमने सूचना को पुष्ट किया और अधिकारियों से वार्ता करने के बाद अब हमारी टीम उसको लेकर के वापस आ रही है, जहां उसे पूछताछ करके अग्रिम तथ्यों का पता लगाया जाएगा। इससे पहले पीड़ित मां ने पुलिस से जावेद का एनकाउंटर ना करने की मांग की थी। उनका कहना था कि जावेद की गिरफ्तारी से ही इस बात का खुलासा हो सकेगा कि आखिर साजिद के साथ मिलकर उसने दोनों बच्चों की हत्या क्यों की थी। बता दें कि हत्याकांड में शामिल जावेद के भाई साजिद का पुलिस ने घटना के कुछ समय बाद ही एनकाउंटर कर दिया था। वहीं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बात स्पष्ट हुई है कि साजिद ने 24 बार उस्तरे और चाकू से वार किया। रिपोर्ट के अनुसार छोटे बच्चे आहान के शरीर पर 9 बार और आयुष के शरीर पर 14 बार हुए हैं। बुधवार सुबह ही दोनों बच्चों का पोस्टमार्टम कर दिया गया था। फिर 10 बजे कछला घाट पर अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर आरोपी साजिद का एनकाउंटर के बाद पोस्टमार्टम हुआ, जिसमें उसके शरीर में 3 गोलियां लगी मालूम हुई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में मंगलवार की शाम को मंडी समिति पुलिस चौकी से 500 मीटर दूर स्थित बाबा कॉलोनी में एक ठेकेदार विनोद ठाकुर के 2 बेटे आयुष और आहान की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। ठेकेदार के मकान के सामने हेयर सैलून चलाने वाले साजिद ने इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था। वारदात के 3 घंटे के बाद पुलिस ने मौके से करीब 2 किलोमीटर दूर घेराबंदी कर आरोपी साजिद को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। वही आरोपियों के दूसरे समुदाय के होने के वजह से गुस्सा भड़क उठा है और ये मामला सांप्रदायिक रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स।